अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है? तो फ्रेंड, मेरे पास ये हायर की वॉशिंग मशीन है, HWM120826। इसमें E1 का एरर आ रहा है स्पिन टाइम पे। तो स्पिन टाइम पे इसको कैसे ख़त्म करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो पाइप है इसका, ये नीचे हो, लेकिन इसका पाइप जो है ये नीचे नहीं है, तो उसको पहले हमने नीचे रख लेना है, ठीक है। उसके बाद और अगर तब भी एरर सही नहीं था तो फिर इसकी सर्विस होने वाली होगी, या इसका जो वाटर लेवल सेंसर है वो ख़राब है, ठीक है। तो अगर तो पाइप नीचे रखने से ये स्पिन का एरर नहीं ख़त्म होता तो फिर आप इसका वाटर लेवल सेंसर ख़राब है, इसकी सर्विस होने वाली है, तो फिर आप किसी सर्विस इंजीनियर वाले को ही बुलाएं। तो अब मैंने पाइप नीचे रखा है, तो मैं इसको चला के देखता हूँ कि स्पिन पे चलती है कि नहीं। तो मैंने यहाँ से पहले पावर ऑफ किया, फिर पावर ऑन करके इसको स्पिन पर ले कर आया। तो यहाँ से मैंने स्पिन का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह मैंने पाइप नीचे रखा था तो पानी निकलना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमारी गलती थी कि हमने पाइप ऊपर रखा हुआ है। इसका पाइप हमने हमेशा नीचे रखना है, ऊपर नहीं करके रखना, तो अभी पानी भी नीचे ख़त्म होना शुरू हो गया इसमें से, स्पिन में से। अभी देखिए हमारा पानी भी सारा निकल चुका है पाइप नीचे रखने की वजह से। तो हमारी स्पिन में ये मन का रहा इसलिए आ रहा था कि हमने पाइप ही नीचे रखा था। तो अब देखते हैं पानी निकल गया सारा, मशीन हमारी चलती है कि नहीं। ये देखिए हमारी मशीन चल पड़ी है स्पिन पे, ठीक है। और ये वन कैरर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, पावर ऑफ करता हूँ। आपने हमेशा ये बात याद रखनी कि आपका पाइप हैंग ना हुआ, हमेशा नीचे रहे पाइप, अगर ठीक है। अगर तो तब भी E1 का एरर आता स्पिन टाइम पे तो फिर आपकी मशीन की सर्विस होने वाली है या वाटर लेवल सेंसर का इशू है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।